मुंबई की प्रोजेक्ट उद्गम की तरफ से समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड के जितवरिया पंचायत एवं आसपास के गांवों की सैकड़ों बेसहारा, निर्धन, लाचार, बेबस, विधवा, दिव्यांग आदि परिवारों के बीच बाढ़ राहत खाद्यान्न की पैकेट बांटे गए। रविवार को लक्षरामपुर गांव में कैंप लगाकर निर्धन परिवारों के बीच यह खाद्यान्न पैकेटों का वितरण किया गया। कैंप का नेतृत्व कर रहे हैदर अली ने बताया कि संस्थान के हेड पार्वती सुनील के सहयोग से पहले कोविड-19 की वजह से प्रभावित एवं पीड़ित निर्धन परिवारों के बीच राहत वितरण किया गया था। इनमें खाद्यान्नों का पैकेट अलग अलग स्थानों पर बांटे गए। इसी बीच विभिन्न इलाकों में बाढ़ की तबाही मचनी शुरू हो गई। बिहार के विभिन्न जिलों में जाकर जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्यान्न के पैकेट बांटे गए। आज कैंप में 390 पीड़ित परिवारों के बीच खाद्यान्न पैकेट बांटे गए, जिसमें जितवरिया, धर्मपुर, लदौरा, मिल्की, टारा, लक्षरामपुर डी, भागीपट्टी आदि गांवों की बेबस, लाचार, बाढ़ पीड़ित शामिल थे। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी कैंप लगाकर खाद्यान्न के पैकेट बांटे गए थे। 105 लोगों को खाद्यान्न पैकेट दिए गए थे। उन्होंने कहा कि इलाके के दिव्यांग, विधवा एवं अत्यंत गरीब परिवारों को चुन चुन कर घर से बुलाया गया था, उनका सत्यापन किया गया और खाद्यान्न पैकेट दिए गए। उन्होंने कहा कि एक महीने तक उनके घरों में खाने का संकट उत्पन्न नहीं हो और इसी बीच अपनी रोजी रोटी की तलाश कर सके, इस तरह का खाद्यान्न पैकेट बनाकर उन्हें सौंपा गया है। यह परिवार अपने जीवन को पटरी पर लाने के लिए लगातार प्रयास कर सके। उन्होंने बताया कि अब तक करीब 500 परिवारों के बीच करीब 5,00,000 रुपए के खाद्यान्न पैकेट का वितरण किया गया है। आज के वितरण टीम में मोहम्मद दुलारे जहांगीर अंसारी, मोहम्मद आलम, तनवीर इकबाल, मोहम्मद कलाम, मोहम्मद सज्जाद, मोहम्मद तैयब समेत दर्जनों युवाओं की टीम खास तौर से सक्रिय थी। इस मौके पर मौजूद लाभार्थियों ने निजी फंड से किए जा रहे इस वितरण की काफी सराहना की तथा संस्था एवं इससे जुड़े हुए लोगों के लिए रब से दुआएं भी मांगी। इस दौरान A to Z न्यूज लाइव की टीम मौके पर पहुंची और बाढ़ पीड़ित लाभार्थियों के अलावे संस्थान से जुड़े हुए लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि आखिर समाज सेवा और बाढ़ पीड़ितों की सेवा का उनका मकसद क्या है। देखिए स्पॉट लाइव रिपोर्ट। उत्तर बिहार में बाढ़ की तबाही और राहत का सिलसिला शुरू हुआ है मुंबई से। जी हाँ, दूर के लोगों को पता है कि तबाही क्या चीज होती है और विपदा की घड़ी में मदद क्या चीज होती है, लेकिन यहाँ जो बिहार की धरती है, जो प्रत्येक साल नेपाल की नदियों की वजह से तबाह होती है, इन लोगों को अब तक सरकारी राहत का इंतजार है। लेकिन कहते हैं कि अपना हाथ जगन्नाथ, जब दाता तैयार हो तो लेने वाले लोगों को तो कोई उनकी सुरक्षा से और उनकी सुख समृद्धि से कोई रोक ही नहीं सकता। और इस दुख दर्द को समझा है मुंबई की एक संस्था प्रोजेक्ट उद्गम ने। पार्वती सुनील की यह संस्था है जो मुंबई में इनकी दुख दर्द की और विपदा की, बाढ़ जैसे आपदा की बात जैसे ही उन तक पहुंची कि उन्होंने वहां से फूड पैकेट भेजा और बिहार के समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड के जितवरिया पंचायत के विभिन्न इलाकों में, आसपास के तमाम इलाकों में बाढ़ राहत के पैकेट बांटे गए। खाद्यान्न जो पैकेट हैं, इसमें एक महीने के खाद्यान्न को समाहित किया गया है और गरीब, लाचार, विधवा, बेसहारों के बीच में वितरण का अभियान चुना गया और वितरण का अभियान शुरू किया गया। कहते हैं कि बाढ़ से प्रभावित आहत लोगों को चुन चुन कर उनके घरों से बुलाकर ससम्मान उन्हें राहत का पैकेट दिया गया है, खाद्यान्न के पैकेट दिए जा रहे हैं। संस्था में शामिल लोगों का बताना है, यहाँ के समाज सेवी वर्करों का बताना है कि यह अभियान पिछले एक महीने से लगातार जारी है। जब लोगों की दुख दर्द को देखा सुना समझा तो लगातार मदद की इच्छा जगी और यह अभियान शुरू किया गया। पहले 2-4 लोगों को मदद की गई और धीरे धीरे यह अभियान पकड़ लिया। अब तक करीब 500 लोगों को, 500 परिवार के लोगों के बीच खाद्यान्न का पैकेट दिया गया है। एक महीने तक खाने खुराकी की बात इसमें समाहित की गई है, खाद्यान्न पैकेट बनाकर इन्हें दिया जा रहा है और आगे भी अभियान जारी रहेगा, क्योंकि संकट में जो लोग हैं उनको मानवीय सेवा से ही उनको संकट से मुक्ति दिलाई जा सकती है। बेसहारों को मदद करके ही बिहार को संवारा जा सकता है, समाज को समृद्ध बनाया जा सकता है। और इसी उद्देश्य के साथ और इसी कॉन्सेप्ट के साथ पार्वती सुनील की जो टीम है लोगों को लगातार मदद कर रही है। A to Z न्यूज लाइव की टीम कल्याणपुर के इन प्रभावित
बाढ़ पीड़ितों से बातचीत के अलावे संस्था के वर्करों से पूछा कि आखिर इसमें इंटरेस्ट क्या है। मुंबई की संस्था बिहार के इलाकों में और गांवों में मदद का अभियान क्यों चला रही है, इन्होंने जो बताया आप भी देखिएगा और सुनिएगा। लेकिन इससे पहले बाढ़ पीड़ितों की बात हम आपको सुनाते हैं, फिर संस्था के वर्करों की बात भी हम आपको बताएंगे। क्या नाम है? हसीना खातून। सरकारी राहत मिल रहा है क्या? वो खोज रहे हैं सरकारे को, तो सरकार मिल रहा है कहाँ? सरकार का नाम कि दे नहीं रहा है। पब्लिक लोग भूख मर रहा है, परेशान हो रहा है, बच्चा सा खाए बगैर मर रहा है। तो का नाम है कि पर बट रहा है, जिसको माया लगा वो अपना खर्चा करके बांट रहे हैं। पैकेट उसमें क्या है? इसमें है का नाम है कि से नौ आटा है, चावल है, सत्तू है, तेल है, दाल है, चीनी है, नमक है, चूड़ा है। एक महीने का खाना है कि 15 दिन का? जो कि पहलवार है तो 15 दिन ना चलेगा। अकेला आदमी तब ना खाएगा एक महीना। इतना इतना देते हैं, प्राइवेट से मिल रहा है आदमी से, तो खाए बगैर अभी बोली नहीं हमारा निकल रहा है। तो आपको हम सुना रहे हैं, कहीं बाय पड़े। क्या नाम है? फूड पैकेट मिला है जी। क्या क्या है इसमें? 9 किलो आटा है, 9 किलो चावल है, दाल है 1 किलो, 1 किलो चना दाल है। कितना दिन तक चलने का है? कितना दिन बताएंगे? 1 महीना चलेगा जी। 1 महीना। तो ये सरकारी है कि प्राइवेट? नहीं सर, बोले सरकारी नहीं, प्राइवेट। प्राइवेट कोई मैडम दीदी दिए हैं, बोले हैं कि दहर में गांव में दहला आ गया है, तो इसलिए भेजे हैं, संस्था से सहायता की है। ये लोग खुद आपसे संपर्क किए हैं राहत देने के? अच्छा, बाढ़ का पानी कितना दिन से आप लोग? 2.5 महीने। अभी भी दिक्कत हो रहा है? दिक्कत है अभी सबका, था जो डूब गया तो दिक्कत है। ये है कि पानी तो आते हैं बहुत जल्दी, वहाँ जाते हैं जल जमाव, निकलने का कोई रास्ता? पहला में लॉकडाउन है, दूसरा में दाहर का है, बहुत प्रॉब्लम में है सर। कितना लोगों को राहत मिला? 500 लोग। कहना है कि ये जो प्रोजेक्ट जो बता रहा है गरीब के लिए, ये बहुत अच्छा है कि लोग भूखा मर रहा है, दहाड़ से पानी सर खेत डूब गया है, लोग को खाने के लिए बहुत दिक्कत हो गया है, और लोग सरकार कोई राहत नहीं दे रहा है। तो अपने लोग पब्लिक लोग अपना सोचे कि चले कुछ राहत गरीब को दे कि कुछ खाए पिए और रहे, कुछ दिन तो खाए कम से कम 1 महीने। तो इसके लिए 9 किलो आटा, 9 किलो चावल और 1 किलो दाल और 1 किलो नमक, 1 किलो चीनी और 1 किलो तेल और 1 किलो चूरा दिए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पार्वती। किस गांव से हुआ? मेरा घर धर्मपुर हुआ। पंचायत? पंचायत जितवरिया हो गया है। और प्रखंड? प्रखंड कल्याणपुर हो गया। जिला समस्तीपुर। क्या नाम है आपका? रानी देवी। आपको भी फूड पैकेट मिला है? क्या क्या है इसमें? इसमें है 9 किलो चावल है, 9 किलो आटा है गेहूँ का, और 1 किलो रिफाइन है, 1 किलो चीनी है, 1 किलो सत्तू है, 1 किलो चूड़ा है। जो लोग बांट रहे हैं खुद से आप लोगों से संपर्क किए? हाँ, खुशी से। हम दीदी को धन्यवाद देंगे और भैया को वहाँ को कि इतना गरीबी मजदूर के लिए सहायता की है, सबसे बड़ा काम किए हैं। जो मान कर चले भूखे मर रहे हैं खाने के लिए, इतना किए, बहुत भारी काम कर दें, उनको हम धन्यवाद कहेंगे। और उनको मतलब इतना हम सब दुआ देंगे कि इससे और आगे बढ़ें और बहुत कुछ कर पाए। बाढ़ का पानी कितना दिन से आप लोग? बाढ़ का पानी लमसम यहाँ 2.5 महीना से पहले से था, तो बढ़ते बढ़ते हम सबको घर पर आए, घर से कुछ रास्ता पेरा सारा बंद, खाने पीने का दिक्कत, खाने पीने का सारा कुछ दिक्कत है। मैं गरीब मजदूर को काम धंधा बंद हो गया, सरकार हम सबको ऊपर देख नहीं रहा। हमारा पति अभी विकलांग था, बेटियों को दिन पैसा दी कि हम सब कितना जूझे हुए हैं कि कुछ कहने लायक नहीं। इन सबको भी हम सब मतलब धन्यवाद देंगे कि सब अपना मतलब मर्जी से वहाँ इतना उनको कोशिश किए हैं और अपना क्षेत्र के लिए इतना किए हो, बहुत कर। कौन से इलाके में वितरण कर रहे हैं और कौन कौन से गाँव के लोग? चितवरिया पंचायत है ये, लछरामपुर गाँव धर्मपुर है, और ये मतलब डी टोला धर्मपुर जितवरिया पंचायत 22 टोला है। 22 टोला में जो है जितवरिया एक ठो पड़ जाता है, लछरामपुर पड़ जाता है, धर्मपुर पड़ जाता है, और उसका मतलब डी टोला पर जो है उधर वालों भी पड़ता है, सहनी टोला में भी दिए हैं, 3-4 गांव में जो है वितरण किए हैं। कौन सा प्रखंड का इलाका? कल्याणपुर प्रखंड जिला समस्तीपुर। अच्छा, ये जो वितरण कर रहे हैं फूड पैकेट में है क्या क्या? 9 किलो आटा है, 9 किलो चावल है, 1 किलो सत्तू, 1 किलो नमक,
एक किलो चीनी और एक केजी ऑयल। आखिर यही जरूरत के सामान क्यों दे रहे हैं? कुछ वजह सब खाने के लिए मर रहा है, तो यहाँ तो सरकार देख नहीं रही है, इतना लेट स्लो काम कर रही है, तो हम लोग खुद से अरेंज करके सबको दे रहे हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है कितना दिन का खाना इसमें होगा? लमसम एक महीने का। आज का जो कार्यक्रम है, लोगों की भीड़ है, क्या वजह है कि भीड़ जुटाने का? सबसे पहले तो मैं पार्वती मैडम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे गांव में इन गरीब लोग के लिए इन्होंने राशन का बंदोबस्त किए, तो उन्होंने हमने उनसे संपर्क किए, बोले मैडम ऐसे ऐसे बात है, हमारे गांव में बाढ़ आ गया कोविड 19 के तहत, बहुत लोग परेशान हो गए, तो हमारे जो प्रोजेक्ट उद्गम जो है मुंबई में लाखों लोग को हेल्प किए, तो इनको मैं अपना समस्या उनको साथ शेयर किए, उन्होंने बोले जहांगीर भाई जाइए और बिहार का मुआयना कीजिए, जिस गांव में प्रॉब्लम है उस गांव का मुआयना कीजिए, देखिए क्या प्रॉब्लम। हमारा गांव बहुत बाहर से पीड़ित था, तो उन्होंने बोले ठीक है जहांगीर भाई आप एक लिस्ट बनाइए, लिस्ट बना करके हमने उनको भेजा, तो उन्होंने पास किए, पहले तो 105 आदमी के पास किए, उसके बाद उन्होंने 390 आदमी के पास किए, तो इतना राशन उन्होंने समथिंग दिए, समथिंग 5 लाख का उन्होंने राशन हमको दिए, तो हमने सब गरीब को पहले भी दिए हैं और अभी भी फोन करके बुलाएं और उनको देना राशन, और अब तक पहले तक जारी रहेगा ये, जब तक अगर गांव में कुछ ऐसा प्रॉब्लम होगा तो फिर वो मदद करेंगे गांव में, और यहां नहीं, इससे पहले कटिहार में भी उन्होंने बहुत सारे मदद किए, औरंगाबाद में ही मदद किए, मतलब ऐसा नहीं है हमारे इसी गांव में, और कोई भी गांव में प्रॉब्लम होगा तो वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। इधर इस इलाके की जो बात करें, ये कल्याणपुर प्रखंड का इलाका है, कितने लोगों में अब तक राहत बांटी है? समथिंग 500 तो कितना का प्रोजेक्ट रहा होगा? समथिंग 5 लाख का प्रोजेक्ट रहा, कितना का रहा? तो ये फंडिंग कहाँ से आता है? ये पार्वती मैडम अपने रिश्तेदार लोग से लेके अपने से, ज़्यादातर उन्होंने तो खुद अपना पैसा डाले हैं और अपने पहचान वाले से रिश्तेदार लोग से कन्विंस करके पैसा लेके और घर घर जाके पैसा लाके इकट्ठा करके फिर उन्होंने ये प्रोजेक्ट समाज सेवा करने में उनको ज्यादा। हाँ, वो समाज सेवा ही एक तरह से, हम तो बॉम्बे के आदमी तो उनको बहुत मानते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ तक राशन नहीं पहुँचा है वहाँ तक उन्होंने घर घर जाकर राशन दिया। राशन क्या उनको आप देखेंगे तो लगेगा नहीं इतना अच्छे, मैं सबसे क्या बोलूँ, मैं जितना बोलूँ उतना कम है, तो उन्होंने बहुत सारे लोग को हेल्प किए। तो जज्बा बना हुआ है कि समाज सेवा हो? हाँ, उनके एक दिन में ये जज्बा है जो मैं सबको सेवा। क्या कार्यक्रम है, लोगों की भीड़ क्यों लगी हुई है? इसलिए लगे हुए कि प्रोजेक्ट उद्गम जी परेशान जो है उनके लिए, यहाँ बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए, पहले तो ऐसे 19 कोविड के वजह से है, सो मतलब परेशान थे लोग जी, और पूरा हुआ चल जाता परेशान हो गया, पूरा फसल नुकसान हो गया, बर्बाद हो गया, इसलिए सो हम लोग है सो पार्वती मैडम से संपर्क किए। कौन है पार्वती मैडम? पार्वती मुंबई की समाज सेवा, समाज सेवा है, उनके माध्यम से वितरण। हाँ, जी जी, मुंबई की संस्था बिहार में वितरण। जी जी, वितरण। ये कौन सा गांव है? ये लक्ष्मीरामपुर गांव है। तो आप लोगों से संपर्क किए थे क्या? जी, संपर्क किए। तो बाढ़ पीड़ितों में जो राहत वितरण कर रहे हैं, क्यों ऐसा क्या जरूरी पड़ गया कि आप लोगों को वितरण करना पड़ रहा है? नहीं तो सरकार तो दे रही है राहत। सरकार दे रही है तो सरकार ने अभी तक पहुँचाया आप लोगों को? पैकेट में जो है सो हमारे संस्था की तरफ से 8 किलो 9 किलो है सो आटा, 9 किलो चावल और नमक, 1 किलो नमक, 1 किलो तेल और 1 किलो चूरा, 1 किलो सत्तू दाल, 1 किलो नमक लगातार वितरण कर रहे हैं। जी, लगातार वितरण, मैंने कुछ दिन पहले 105 लोगों को वितरण किया गया था, 105 परिवारों को राशन वितरण मिला था, और इस बार 390 लोगों को वितरण कर रहा है। वितरण कब तक जारी रहेगा? ये अभी तो इतना ही है, आगे भविष्य में अगर मान लीजिए कोई आपदा आ जाती है हमारे पंचायत में, हमारे अगल बगल क्षेत्र में, तो फिर कोशिश करूंगा और संभवतः जहां तक हो सकेगा हम लोग तो गरीब तक राहत पहुँचाएंगे। आपने देखा कि मुंबई की संस्था बिहार की गलियों में, बाढ़ पीड़ित इलाकों में घूम घूम कर आर्थिक विपन्न लोगों के बीच में मदद का अभियान चला रही है। सरकारी राहत उन लोगों तक नहीं पहुंचा है जिन लोगों तक ये संस्था के लोग पहुंच गए हैं और उन्हें 1 महीने का फूड पैकेट सिर्फ अपने दम पर उपलब्ध करा रहे हैं। दीपक कुमार तिवारी, A2Z न्यूज लाइव, कल्याणपुर, समस्तीपुर, बिहार।